मित्रों, यहां पर बांकुरा में लंबी द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना है। अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती हैं, तो 39,000 हेक्टर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए बताओ भाई, जरा बोलो पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, हमने तय किया है जितनी भी लागत आए ये 39,000 हेक्टर को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जंगल महल क्षेत्र में माताएं अपने बेटे को फोन करती हैं, आदिवासी महिलाएं अपने पति को फोन करती है, तो फोन कट जाता है ना आपका, बताइए कट जाता है नहीं कट जाता है? आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार ला दीजिए, यहाँ टावरों का जाला बिछाकर हर आदिवासी घर में कनेक्टिविटी पहुंच जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। मित्रों, बांकुरा जिले में पीने के पानी की कमी है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीने के पानी की सबसे पहली योजना बांकुरा और झारग्राम के जंगल महल के आदिवासी क्षेत्र के लिए की जाएगी, और हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय ने बंगाल के लिए 993 करोड़ रुपया भेजा है, मगर अभी टेंडर नहीं निकलते हैं, क्योंकि कौन कट मनी देगा वो तय नहीं हो पा रहा है। 993 करोड़ में से सिर्फ 121 करोड़ रुपया खर्च करा है। मित्रों, आप चिंता मत करिए, ये सरकार आते ही भाजपा की हम आपके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे।